ही गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नवीन घोष एंड आज मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा एक्सरसाइज 90 ऑफ क्लास 10th मैट्रिसेस ICSE। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया है एंड ये कंडीशन अगर आपको दिया गया है तो आपको फाइंड करना है एम मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। सो लेट्स सॉल्व इट। सो ए मैट्रिक्स आपका क्या दिया गया है, 0-1, 4-3। बी मैट्रिक्स आपको क्या दिया गया है, -5, 6। ओके, एंड व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन आपको क्या दिया गया है, 3 × A matrix × M matrix विल बी इक्वल्स टू 2B। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये 3A पुट करना है। ठीक है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। सो पहले 3A फाइंड करो, तो 3A कैसे निकलेगा, 3 × A। मैट्रिक्स ए क्या था, मैट्रिक्स ए आपका ये था, सो दैट इज मैट्रिक्स ए यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, सो दैट इज मैट्रिक्स ए आपका 0-1, 4-3। ठीक, सो दैट 4 3A इक्वल्स टू, अब ये 3 क्या होगा, अब ये जो 3 है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट इज 3 × 0, 0, 3 × -1, -3, 3 × 4 हो जाएगा आपका 12, 3 × -3 हो जाएगा आपका -9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3A का वैल्यू। सो नाउ अभी अपना कंडीशन क्या था, अपना कंडीशन था ये 3A × M = 2B। अभी नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, 2B फाइंड करना है, तो 2B फाइंड कर दें। चलो, तो 2 × मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स B क्या था ये, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो देयर फोर -5, 6, सो देयर फोर 2B विल बी इक्वल्स टू, अब ये 2, 5 और 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2 × -5 हो जाएगा आपका, तो क्या होगा, 2 × -5 हो जाएगा आपका 10 एंड 2 × 6 हो जाएगा आपका, 2 × 6 हो जाएगा आपका 12। ठीक है, सो देयरफॉर ये रहा 3A का वैल्यू, ये रहा आपका 2B का वैल्यू। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। सो देयरफॉर 3A × M matrix = 2B था, सो देयरफॉर 3A आपका है ये रहा वैल्यू, तो दैट इज 0-3, 12-9 × M matrix = 2B। 2B आपका कितना है, 2B ये रहा -10, 12। ठीक है, अब अभी बोलोगे आप M मैट्रिक्स निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M मैट्रिक्स, फाइंड M मैट्रिक्स। ठीक है, तो M मैट्रिक्स कैसे फाइंड करोगे, देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, आप लोगों को पता होगा मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसे होगा। सपोज A मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स है, ठीक है, तो रिजल्ट आ रहा है C मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होंगे, जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स का रो है, ऑर्डर है एक, इसका ऑर्डर मान लेते हैं 1,2 और सॉरी 1/2 है, एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। तो ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, तभी जगह क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। सो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों देखो, ए मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज कितना है यहाँ पे 2, एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, दैट इज ये 2, तभी जाके क्या हो पाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो जो मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा उसका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों दैट इज 1/1 होगा आंसर। ठीक, तो सेम टाइप मुझे ये बताओ, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ईजी है। अगर ये आप कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको ये सॉल्व करने का कोई इशू नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि दो रोज एंड दो कॉलम्स से, दैट्स वाई 2/2 मैट्रिक्स, एंड ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, दो रो एंड वन कॉलम थे, दैट इज़ 2/1। अब बताओ एम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ एम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए। देखो मैट्रिक्स पॉसिबल तभी हो सकता है जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। सो लेट द ऑर्डर ऑफ एम मैट्रिक्स बी, मान लो लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ए बाई बी ले लेते हैं। तो अगर एम मैट्रिक्स का ऑर्डर ए बाई बी है तो डेफिनेटली ये 2 और ये ए सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है, एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना है, यहाँ पे ए है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। सो देयरफॉर ए शुड बी इक्वल्स टू,
ठीक है। सो देयर फोर एम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम है तो क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है देखो 2 by 1 आ रहा है। तो ये आया कैसे, ये ऐसे आया देखो ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों सेम था तो ये 2 और b सेम हो जाएगा, ठीक है। सो देयर फोर बी इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सो देयर फोर ऑर्डर ऑफ एम बी, देयर फोर ऑर्डर ऑफ एम मैट्रिक्स विल बी ए बाई बी, बट ए कितना है तुम्हारा, ए 2 है एंड बी भी तुम्हारा 2 है, ठीक है। सो देयर फोर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इक्वल्स टू 2 by 2। सो अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स, मतलब कितने एलिमेंट्स रहेंगे, टोटल 4 एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स रहेंगे, सो वो लिख लेता हूँ पहले ये वाला स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया गया है। सो दैट इज 0 - 3, 12 - 9, एम मैट्रिक्स हम, अब ये इसका ऑर्डर था 2 by 2, ये रहा अपना एम मैट्रिक्स जिसका भी ऑर्डर है 2 by 2, सॉरी ये होगा आपका 2 by 1 होगा यहाँ पे, मैं कुछ गलती कर दी यहाँ पे, ये इधर यहाँ पे 1 होगा, सॉरी b1 होगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी इधर b इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि ये और ये तभी इक्वल होंगे ना, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना, ओके टू बाय वन है यहाँ पे, और ये दोनों सेम होता है ए और बी, ए इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे, अच्छा ये दोनों सेम है, अच्छा समझ गया। अगर ये दोनों सेम है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ये दोनों, ठीक है। तो 2 by b होगा यहाँ पे, 2 by b, सो b इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, आई एम सॉरी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। सो देयर फोर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m विल बी 2 x 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 x 1, सो इक्वल्स टू यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स विल बी देयर, सॉरी यहाँ पे मैं बीच में थोड़ा अटक गया था, यहाँ पे आंसर 2 x 1 होगा, ठीक है। देन उसके बाद माइनस टेन ट्वेल्व, सो 2 एलिमेंट्स में कुछ भी ले सकता हूँ, लेट इट बी एक्स और वाई, देखो 2 रोज एंड 1 कॉलम था ना, देखो इसका मतलब क्या, 2 रोज एंड 1 कॉलम, सो 2 रोज एंड 1 कॉलम में मैं एलिमेंट्स पुट कर दिया, लेट द एलिमेंट्स ऑफ एम बी एक्स एंड वाई। अब बस क्या करना है, आपको बस सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, ये रो इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, ये रो इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करो तो 0 × x हो जाएगा आपका 0, फिर प्लस -3 × y हो जाएगा आपका -3y, ठीक है। नेक्स्ट ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा 12x, फिर प्लस -9y मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो -9 × y -9y इक्वल्स टू -10 12, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बीच में मैं यहाँ पे अटक गया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, बट दिस इज़ द थिंग, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होगा, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा, ये दोनों, ये वाला और ये दोनों, वो उसका होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज 2 by b। तो 2 by b बोलने से b की जगह में 1 है, तो b का वैल्यू हो गया आपका 1 है यहाँ पे, ठीक है, ईजी से कंपेयर करना है, बस कंपेयर करने से आपका आंसर आ जाएगा। सो आगे सॉल्व करो, सो दैट इज ये हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा 12x -9y, ठीक है, इक्वल्स टू -10 12। सो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो ये वाला इसके साथ सेम हो जाएगा, ठीक है ना। सो देयर फोर -3y इक्वल्स टू -10, सो y हो जाएगा आपका 10/3, ठीक है, तो y आपका वैल्यू हो गया 10/3। नेक्स्ट ये वाला इसके साथ सेम हो जाएगा, सो 12x -9y इक्वल्स टू 12, क्यों, ये एलिमेंट इसके साथ सेम था तो ये एलिमेंट इसके साथ भी तो सेम होगा ना, when two matrices are equal then its corresponding elements will be same, तो इसका corresponding element क्या है, 3y का -10 और 12x -9 का 12। आगे सॉल्व करो, तो 12x -9 × y का वैल्यू कितना था, 10/3 इक्वल्स टू 12, ठीक है ना, y का वैल्यू पुट कर दिया मैं यहाँ पे, सो 12x, सो 12x ये हो जाएगा आपका 3 जाओगे आपका 9, तो 3 × 10 होगा 30 -12, सो देयरफॉर 12x इक्वल्स टू 12 + 30,
ठीक है, तो आगे सॉल्व करो तो 2LX इक्वल टू हो जाएगा 42, x हो जाएगा आपका 42/12। आगे सॉल्व करो कितना निकल रहा है, कितना से जाएगा देखो, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 3 2 6, 3 7, तो x आया आपका 7/2। ठीक है, सो देयर फोर एक्स इक्वल टू आएगा आपका 7/2 एंड y आया आपका 10/3। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 6 ऑफ एक्सरसाइज 90। ईजी सा है, कुछ नहीं करना था, बस आपको बस कंडीशन फुलफिल करना है। कंडीशन क्या है आपका, देखो ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, 3A फाइंड करोगे सबसे पहले, ठीक है, 3A फाइंड करने के बाद फिर 2B फाइंड करोगे और इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर दोगे। बस आपको ये मैट्रिक्स एम का ऑर्डर बस जानना है कि मैट्रिक्स एम का ऑर्डर कैसे निकलेगा। मल्टीप्लीकेशन का क्राइटेरिया यू शुड नो, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन का क्राइटेरिया आता है देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ नेक्स्ट साइज 90। थैंक यू।